इस वक्त की बड़ी खबर, यजदान बिल्डिंग मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर एलडीओ को फटकार भी लगाई है। आपको बता दें, पूरा जो मामला है वो यजदान बिल्डर से जुड़ा हुआ है, जिसमें कोर्ट में सुनवाई हुई थी। मौखिक आदेश पर भी रोका नहीं गया काम, ये एक विशेष टिप्पणी की गई है। और यजदान बिल्डर के मामले में कल भी सुनवाई होगी, सुनवाई होने तक बिल्डिंग को एलडीए हाथ नहीं लगाएगा, ये आदेश दिया गया है। यजदान बिल्डर को एक दिन की और राहत मिल गई है। लखनऊ से सहयोगी जुड़ गए हैं आलेंद्र। आलेंद्र, क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ दलीलें दी गई कोर्ट में? गंज में निजोल की जमीन पर बनाए गए अपार्टमेंट का मामला है और यजदान बिल्डर द्वारा ये अपार्टमेंट बनाया गया था 2016 में, इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस बीच कई अधिकारी आते जाते रहे, तबादला होता रहा, लेकिन इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चलता रहा। ठीक है, जब आपने बताया कि ये जमीन वो सरकारी जमीन थी, इस पर फिर इस तरह से रिजूल की जमीन पर कैसे ये बिल्डिंग खड़ी हो गई और जो अधिकारी आए और गए, किसी ने आपत्ति कोई कभी जाहिर नहीं की? जी, अधिकारियों से इस पर कई सारे सवाल किए गए, लेकिन फिलहाल तो अधिकारियों ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और अधिकारियों ने अपना मौन ही धारण किया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 7 साल से इस बिल्डिंग पर निर्माण कार्य किया जा रहा था और आपको बता दें कि इस बिल्डिंग की छत से एलडीए का कार्यालय दिखाई देता है, तो एलडीए के कार्यालय को क्या ये बिल्डिंग नहीं दिखाई दी? सवाल ये भी नजर, कहीं ना कहीं सवाल ये भी नजर आता है कि 6 मंजिला ये इमारत है जिसमें 48 फ्लैट है और जिनमें से 37 इसमें बिक भी चुके हैं। और पूरी जानकारी के लिए जब अधिकारियों से बात की गई, उनसे सवाल किए गए, तो अधिकारियों ने मौन धारण कर लिया है, इस पर कोई जवाब नहीं दिया अधिकारियों ने। बिल्डर के जो प्रतिनिधि हैं या जो उनके प्रवक्ता हैं, या उनकी तरफ से क्या कुछ स्टेटमेंट दिया गया इस पूरे मामले को लेकर, क्यों आपने इस जगह पर ये बिल्डिंग खड़ी की और अगर खड़ी भी की है तो क्या मकसद था, कौन कौन से अधिकारी इसमें संलिप्त थे, किसने परमिशन दी थी? जी दीपक, आपको बता दें कि यजदान बिल्डर और जिन लोगों ने इसमें 37 लोगों ने फ्लैट बुक कर रखे हैं, कल एनडीए की कार्रवाई के बाद उन सभी लोगों ने इलाहाबाद की हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का रुख किया था और उनकी पिटीशन भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद कोर्ट ने उस पर सुनवाई भी की थी और हाईकोर्ट ने आज यजदान बिल्डर को पूरे कागजात जमा करने के लिए भी आदेश दिया है। और लंबी बहस के बाद उन्होंने यजदान बिल्डर को कहा है कि आप जरूरी कागजात कोर्ट में जमा कराएं, उसके अलावा इनको एक दिन की और जो है राहत मिल गई है। और कोर्ट ने एलडीए से ये भी सवाल किया है कि कैसे इतनी बड़ी इमारत बन गई लापरवाही। ठीक है, वो जाहिर है कि वो लापरवाही है, बिल्कुल अधिकारियों की संलिप्तता कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन जिन लोगों ने फ्लैट बुक कराए हैं या जिन लोगों ने इसमें फ्लैट बुक पहले से रह रहे हैं या बुक करा रखे हैं, अब उनका क्या होगा? कल को अगर कोर्ट आदेश देता है कि बिल्डिंग को गिराया जाना चाहिए या बिल्डिंग अवैध है, इसे बंद किया जाना चाहिए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपने लाखों रुपए के फ्लैट्स इसमें बुक करा रखे हैं? जी बिल्कुल दीपक, आपको बताना चाहेंगे कि लोगों की तो जो जमा पूंजी थी, लोगों ने अपनी जमा पूंजी जो इस बिल्डिंग में फ्लैट लेकर अपना आशियाना बनाया था, तो उनका अगर सरकार का आदेश आता है तो बिल्डिंग अगर निर्माण ध्वस्त की जाती है तो उन लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से जो जिन लोगों ने फ्लैट खरीदा है तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया हुआ है और उनको न्यायालय से उम्मीद भी है कि उनके पक्ष में न्याय का फैसला आएगा। एलडीए ने क्या दलील दी कि इन्हें बोला गया था काम रुकवाने के लिए? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन मेंशन की गई है कि मौखिक आदेश पर भी नहीं रोका गया काम, तो ये एलडीए की तरफ से दलील दी गई थी कि मौखिक आदेश दे दिया गया था? ये हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि बिल्डिंग को अभी आप कुछ समय के लिए रोक दें, उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक दें, लेकिन एलडीए द्वारा एलडीए के अधिकारियों ने इस फरमान को नजरअंदाज किया था और उसके बाद भी वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे थे, जिस पर कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है और बिल्डर ने नुजूल की कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिल्डर ने नुजूल की जमीन लीज पर किन शर्तों पर ली थी उसको पेश करने के लिए एलडीए से कहा है अदालत ने। तो मतलब जब पूरे मामले का खुलासा हुआ, जहां एलडीए फंसता हुआ नजर आया, तो एलडीए जल्दबाजी में कार्रवाई करने के लिए और बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए पहुंच गया था? जी।
ठीक है, इस पूरे मामले को लेकर एलडीए को फटकार लगाई गई, अब इसकी सुनवाई कल फिर से होनी है, तो क्या लग रहा है कि क्या कुछ आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है या क्या कुछ निकल सकता है, और लोग जो उसमें फ्लैट बुक करा चुके हैं उनकी क्या अपेक्षा है, कैसा फैसला आना चाहिए? देखिए दीपक, अभी तक जो मामला पूरा सामने आया उसमें एलडीए के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है कि छह साल से इस बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था और अचानक अधिकारियों को इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण करने के लिए उनको आ गया और उसके बाद वो वहां पर पहुंच भी गए। कोर्ट के मौखिक आदेश के बाद भी वो अपना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उन्होंने जारी रखी और अभी तक जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी इस बिल्डिंग जो जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे थे तो उनकी भी कोर्ट से यही उम्मीद है कि उनके उन्होंने तो जो है पैसा अपनी मेहनत की कमाई का लगा कर दिया था और वो उम्मीद करते कि न्यायालय उनके हक में फैसला सुनाएगा। बिल्कुल, लेकिन फ्लैट तो बुक करने से पहले जाहिर है कि यहाँ पे जो उपभोक्ता पहुंचे हैं उन्होंने बुक कराए हैं। कभी भी हम कोई भी प्लॉट लेने जाते हैं या फ्लैट लेने जाते हैं तो एक बार उस जमीन की भी तस्दीक करते हैं कि कहीं ये सरकारी जमीन या किसी की अवैध जमीन पर तो नहीं बना, लेकिन उन लोगों ने शायद ऐसी तस्दीक नहीं की और शायद कुछ डिस्काउंट मिल रहा है या जो भी उन्हें लालच रहा हो उन्होंने फ्लैट बुक करा लिए, शायद अब उन्हें भी इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर जो बिल्डर है उनकी भी फटकार लगाई गई है, यजदान बिल्डर जिन्होंने निजूर की जमीन पर ये 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी और एलडीए मुंह ताकता रहा। अब जब मामला कोर्ट पहुंच गया है तब एलडीए कार्रवाई करने के लिए पहुंचा है, लेकिन जब तक इस पर निर्णय नहीं आ जाता है तब तक एलडीए इस बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाया है, कोर्ट का आदेश है। अब फंसे तो फंसे वो बेचारे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपने फ्लैट बुक करा रखे हैं।